Hello, this is Sanjay and we are going to picnic at Pratap Gaurav Kendra and Biological Park. These are my students. Students, say hi. Hi. Bharat Mata Ki. Jai. Vande. Mataram. Okay, thank you. बायोलॉजिकल पार्क और बायोलॉजिकल पार्क से हम अभी देखने जाएंगे बहुत सारे एनिमल्स हैं अंदर। यहाँ पे मेरे साथ है मैना मैम, आकांक्षा मैम, कोमल मैम और श्याम जी सर।
Tino. Tino would like to say something. Tino, say something for Hello, Hans. Hello, everybody. Greetings from Switzerland. It was so nice to meet the whole class and your teacher. What is your name again? Sanjay. Sanjay, very good teacher. And I'm Ravina, also from Switzerland. Nice to meet you. मायर थारो भूत कठे मायर थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे पाना पट्टा के पिताजी थे उदय सिंह जी इनका ध्यान रहता था गोगुदा के अंदर हल्दी घाटी की मिट्टी येलो कलर की यानी पीलापन की हल्दिया कलर दिया था हल्दिया कलर यहाँ पे इसलिए पीला कलर 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 का मतलब एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण आपने कराया हर दिशा एकलिंग जी का मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है इसको बोलते हैं कैलाशपुरी जानते हो कोई सीना जी दादा के बीच में कैलाशपुरी का मंदिर अभी शिवरात दी है जाना आप ठीक है फुल कोर का 7000 का हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज मान हमीर के चचेरे भाई सज्जन सिंह जी महाराष्ट्र में चले जाते हैं 18वीं पीढ़ी में उनका जन्म होता है सिंहदेही में और रायगढ़ के अंदर भी इनका अभिषेक होता है राजा बनते हैं और रायगढ़ के अंदर ये राजधानी माना जाता है राजधानी और रायगढ़ इनकी मृत्यु हो जाती है राजधानी किसे कहते हैं राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है एक तो जगन्नाथ उड़ीसा में उत्तर श्री है 350 साल हुआ बटे और अटे विराजमान मेवाड़े बाद में भी अटे मेवाड़ी परंपरा रो निर्माण नहीं अटे ब्रज भाषा रो प्रयोग हुए ठाकुर जी ने राग भोग और श्रृंगार कमैया मोहे राग भोग श्रृंगार मोहे श्री विठल नाथ के हाथन को भावे या ब्रज भाषा है कि यानी कि अटे ठाकुर जी रो जो श्रृंगार भी लेगा नहीं तो वो ऋतु रे अनुसार लेगा जैसे श्री नाथ जी दूसरा है द्वारकाधीश जी नाम तो अगला ही होनी होती द्वारकाधीश जी कथा वाला बेट द्वारका गोमती द्वारका विश्राम द्वारका घाट का जो मथुरा में द्वारका लेकिन ये द्वारका दीजिए ये की ठाकुर की रास मंत्री पाल माता की द्वारका दूसरा आपने हिस्ट्री रिलेटिव एक प्रश्न है विश्व रो सबो बड़ो शिलालेख राज प्रशस्ति जो 1200 श्लोकों में लिखो तो वही श्लोक रे वो भी राज प्रशस्ति राज समुद्री पाल करे विराजमान बहुत ही सुंदर विग्रह और द्वारका दीजिए जो मूल विग्रह है वो 12 इंच और अन्य विग्रह की खासियत और बताऊं माता कौशल्या अन्य विग्रह की सेवा की थी लिखी ठाकुर ने भी विराजमान है द्वारका दी थी हम है प्रताप गौरव केंद्र पे पीछे की तरफ आप देखिए पीछे की तरफ आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप की बड़ी सी मूर्ति जो 57 फीट ऊंची है इस तरफ आप देखेंगे व्यू प्रताप गौरव केंद्र और ये है प्रेमशंकर जी प्रजापति हमें यहाँ पे प्रताप गौरव केंद्र का पूरा गाइडिंग किया आपने आपने पूरा टूर करवाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक भाई आपके लिए जोरदार तालियां बजा दी आप सभी लोग यहाँ बता रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप बधाना है ठीक है देखने के लिए कैसा लगा आपको बहुत बधाना ठीक है